हेलो बच्चों, मैं मनवीर सिंह आज डे फोर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी पार्टनर को जब कोई सैलरी दी जाती है या कोई कमीशन दिया जाता है तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी टॉपिक के अंदर करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का सही तरीका वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, उनको समझाया नहीं गया, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो आज हम उन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे जो भी भूलने का सबसे बड़ा कारण होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज टॉपिक है हमारा कमीशन और सैलरी। सैलरी और कमीशन चार्ज टू एनी पार्टनर। जब हम किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं तो क्या करते हैं, तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, यानी कि दो तरह से क्वेश्चन वो पुट अप कर सकता है आपसे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हम नेट प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। वो या तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, या वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हो सकता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, कोई भी आइटम दिए बिना ही जो पहला प्रॉफिट होता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारे ट्रीटमेंट करने के बाद में जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे जो भी क्वेश्चन में वो कहेगा। अब यहां पर दो वर्ड्स आपको परेशान करने वाले हैं। देखिए, मैंने बॉक्स में बंद किया बिफोर और यहां पर है आफ्टर। देखिए, प्रॉफिट हमेशा नेट प्रॉफिट पर ही चार्ज होगा। जो कमीशन हम चार्ज करेंगे वो नेट प्रॉफिट पर ही चार्ज करेंगे, और वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला ही होना चाहिए। यहां पर मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। व्हेन कमीशन इज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जब वर्ड बिफोर आएगा तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी आपके पास प्रॉफिट है या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, इनटू रेट परसेंट अपॉन 100। जो भी परसेंटेज रेट दिया है उसके अपॉन में 100 कर दीजिए। मान लो 10% से रेट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 10% से रेट दिया है ना, यहाँ देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर 10% है तो कितना करेंगे, 10/100 कर देंगे। अगर 20 है तो 20/100 कर देंगे, ठीक है ना। 30 है तो 30/100 कर देंगे। 5 है तो 5/100 कर देंगे। तो सीधा आपको रेट अपॉन 100 कर देना है जब वर्ड दिया हो बिफोर। लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। अगर वो ये कहे कि जो कमीशन आप चार्ज कर रहे हो उसे भी घटाने के बाद, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बचेगी उस पर आप कमीशन चार्ज करेंगे। अब एक बात बताइए, जब हमें किसी अमाउंट का पता ही नहीं है कि वो अमाउंट कितनी होगी तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने की तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप डायरेक्टली उस अमाउंट को कैलकुलेट भी कर पाएंगे और माइनस भी कर देंगे, मतलब माइनस करने के बाद वाली वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, या यूं कहें कमीशन आ जाएगा आपके सामने। तो फॉर्मूला क्या है, जो चीज आपने ऊपर ली ओवर वाले फॉर्मूले में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट परसेंट अपॉन 100 प्लस रेट। अब यहां पर क्योंकि हमें चीज का पता नहीं है, आइटम का हमको पता नहीं है कि कितनी अमाउंट हमें निकालनी है, क्या करना है। अब सपोज कीजिए, यहां पर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 5% दिया है तो कितना करोगे आप, 5/105 हो जाना चाहिए, 5/105 हो जाएगा। अगर 10 है तो 10/110 हो जाएगा, 20 है तो नीचे 120 हो जाएगा। तो यानी कि 100 में वो रेट हम प्लस कर देंगे जो भी परसेंटेज रेट आपको दिया गया होगा, ठीक है। ये तो बात रही हमारे कमीशन की। ये चीज हमें कंफ्यूज करती है बिफोर और आफ्टर। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा। फॉर्मूला लिखने में कोई परेशानी होने वाली है नहीं, बुक में भी आपके दिया गया होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी में कोई बड़ी परेशानी हमें आने वाली नहीं है। सैलरी किसी भी पार्टनर की मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, तो मल्टीप्लाई करके उसको एनुअली हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सैलरी एनुअली ही जाती है। तो अगर मान लो 2000 रुपए पर मंथ की आपको सैलरी दी हुई है
और पर मंथ बोला है उसने, तो साल भर में महीने होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल ईयर की जो सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 24,000। अब सपोज कीजिए, मान लो वो कहता है 4,000 पर क्वार्टर की सैलरी है, तो 4,000 पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, पर क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, हर 3-3 महीने में एक क्वार्टर चेंज होता रहता है, तो साल भर में 4 क्वार्टर्स होंगे, 4 क्वार्टर से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी बन जानी चाहिए, 16,000। ठीक है, हाफ ईयरली अगर सैलरी दी है तो हाफ ईयरली से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एनुअली सैलरी हो जाएगी, या अगर उसने एनुअली दिया है तो फिर कोई दिक्कत हमें है नहीं। अब बच्चों एक बात आपको यहां पर समझनी जरूरी है कि सर हम पहले सैलरी दें कि या हम कमीशन दें, तो बच्चों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कमीशन जो हम पार्टनर्स को चार्ज करते हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद करते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से सैलरी भी माइनस कर दी, प्रॉफिट में से कमीशन भी माइनस कर दिया, प्रॉफिट में से सैलरी भी माइनस कर दी, प्रॉफिट में से जो दूसरे आइटम उनको अब बोनस वगैरह दे रहे हैं वो भी माइनस कर दिए, सब कुछ माइनस करने के बाद तब हम उसको कमीशन चार्ज करते हैं। इट मींस अगर क्वेश्चन के अंदर सैलरी और कमीशन दोनों चीजें दी गई हो कि आपको दोनों चार्ज करने हैं, तो पहले आप सैलरी चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, सैलरी चार्ज करेंगे पहले, ठीक है, तो सैलरी आप माइनस कर लीजिएगा, जो भी अमाउंट बचेगी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, उस पर हम रेट परसेंटेज से निकाल देंगे। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और थोड़ी चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल के, एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे सैलरी और कमीशन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और फॉर्मूलाज जो लिखे हैं मैंने ये सामने मैं रफ कर देता हूं, ये रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर है 31, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 31, और पेज नंबर आपका है, पेज नंबर है 2.84, ये पेज नंबर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में, अमर और भानु और चारु तीनों पार्टनर्स हैं, अमर भानु और चारु तीनों पार्टनर्स हैं, अमर और भानु को एनुअल सैलरी मिलती है 1,20,000। अब देखो सैलरी हमें कितनी दी गई है, 120 पर एनम की सैलरी है, पर एनम दोनों को मिलती है, अमर को अलग और भानु को अलग, 1,20,000 रुपए की ईच, एज दे मैनेज द बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 4,80,000, 4,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है, डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। तो अब वो ये पूछना चाहता है आपसे कि पार्टनर्स को प्रॉफिट की अमाउंट कितनी कितनी मिलेगी, तो यहां पर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सिंपली मैं बना देता हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 4,80,000। ठीक है, अब यहां पर हम लेते हैं टू सैलरी, सैलरी कितनी कितनी है, किस किस की है, अमर और भानु दोनों को है, अमर को भी है और भानु को भी, और दोनों की सैलरी 1,20,000 पर एनम ईच है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2,40,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में रेशियो के बारे में डिस्कशन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया है, तो रेशियो जब साइलेंट होता है क्वेश्चन में हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वल, उसको हम लोग इक्वल मान लेते हैं, तो अब ये जो अमाउंट है बाकी जो बचेगी उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में करते हैं, अमर को, भानु को और चारू को। अब
कितनी अमाउंट बची है वो देख लीजिए, 480 माइनस 240, तो 240 ही बचेगा, 240,000 ही बचेगा। अब इसको तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करें कितना आएगा, 80,000, यानी कि अमर की अमाउंट भी 80,000 हो गई, भानु की भी 80,000 हो गई और चारों की भी 80,000 हो गई, और आप क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर देंगे और आपका जो टोटल है वो दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या कहता है, एबीसी तीनों पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है उनका, ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, ए को एक कमीशन मिलता है 10% का ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1,10,000, 1,10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है, कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन। अब देखिए ना तो यहां पर बिफोर लिखा है और ना यहां पर आफ्टर लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली जो भी नेट प्रॉफिट दिया गया है उसी पर हम इसे चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम यहां पर कर रहे हैं 32, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 32, पेज नंबर 2.84 पर ही है। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है, देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिया गया 1,10,000 का, ठीक है। रेट जो आपको दिया गया है वो कितना है, रेट दिया गया है 10% का, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पर ही कह रहा है, तो नेट प्रॉफिट तो हमें दिया गया है, तो कमीशन निकाल दीजिए, कमीशन टू ए, नेट प्रॉफिट इनटू 10/100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट है 1,10,000 का इनटू 10/100, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, रुपीज 11,000। आप आंसर चेक कर सकते हैं, 11,000 रुपए का आपका कमीशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 में। बहुत सिंपल है क्योंकि नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली चार्ज करने को बोला है उसने, आफ्टर नहीं बोल रहा है, उसने बिफोर पे ही चार्ज करने को कहा है, क्वेश्चन साइलेंट है तो बिफोर ही मानेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 में क्या कहता है, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है, डीड के अकॉर्डिंग जेड को कमीशन मिलता है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद। अब हमें पता ही नहीं भैया कमीशन कितना है, तो कैसे तो माइनस करें और कैसे कमीशन निकालें, तो अभी आपको बताया था कि जो दूसरा मेथड है आफ्टर चार्जिंग में हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेते हैं, तो बड़ा सिंपल है यहाँ पर। और उसके बाद उसने कहा नेट प्रॉफिट 2,20,000 रुपए का है, तो कमीशन पूछ रहा है, बस कमीशन पूछा है उसने कि कमीशन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, नेट प्रॉफिट यहां पर आपको दिया गया 2,20,000 रुपए का, ठीक है ना, और रेट परसेंट 10% है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग यहां पर लिख रहा हूं मैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आप देखिए प्रूफ भी हो जाएगा, उसने कहा है कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन निकलना चाहिए, तो वो डायरेक्टली निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, 2,20,000 इंटू 10/110, क्योंकि 10/110 हो जाएगा, 100 में 10 प्लस कर देंगे जितना रेट होगा, तो 10 से 10 11 2 जा 20,000, तो कितनी अमाउंट आ गई, 20,000 रुपए। अब खुद सोचिए, अब देखिए जरा 20,000 रुपए की अमाउंट कमीशन आया ना उसका, अब क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 20,000 रुपए का जो कमीशन अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर कमीशन निकालना है 10%, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट निकलेगा, अगर 20,000 हम 2,20 से माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 2,00,000, और 2,00,000 का 10% कितना होता है, 20,000 ही होता है, तो वही चीज हमने डायरेक्ट निकाल दी। तो इतना सारा का झमेला करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है, सीधा आप इसी से निकाल सकते हो, तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 में, क्लियर है बच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, 34 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34, एबीसीडी तीन पार्टनर हैं, सॉरी एबीसीडी चार पार्टनर्स हैं,
4-3-2-1 का रेशियो है उनका, और प्रॉफिट अर्न किया 1,80,000 रुपए का। डीड में लिखा है कि कमीशन चार्ज करेंगे 20%, सारे मिलके 20% कमीशन चार्ज करते हैं और उसे जो है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2-3-2-3 के रेशियो में। तो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो कमीशन निकालो, तो कमीशन कितना 1,80,000 का सीधे 1,80,000 का 20% निकाल दीजिए, उसने आफ्टर नहीं बोला है, उसने सीधा 20% बोला है, तो कितना हो जाएगा 36,000। अब 36,000 को 2-3-2-3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसने लिखा है 2:3:2:3 में, 2-3-2-3 में बांट दो इसको। सब ऐसे ही कह रहे हैं, एग्रीमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं। अब जो है आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है तो इधर से कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 1,80,000। तो यहां पर हम लिखेंगे तो कमीशन ए बी सी और डी में 2-3-2-3 10 36 × 72 7,200 और 7,200 10,800 और 10,800 टोटल अमाउंट हो जाएगी 36,000। अब बाकी जो अमाउंट बचती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू ए बी सी और डी, ये रेशियो कौन सा होगा। अब देखिए ये रेशियो तो 2-3 का था, इसको तो हमने 2-3-2-3 में बांटा है, लेकिन ये वाला जो रेशियो होगा ये कौन सा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में कितना दिया है 4-3-2-1 का, तो कितनी अमाउंट बन जाती है 1,80,000 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1,80,000 माइनस 36,000, तो कितना हो जाएगा 7-3 यानी 1,44,000 और डिवाइडेड बाई कर देते हैं 10, तो 10 से 10 कितना हो जाएगा 14,400। तो 14,400 तो इसका हो गया है ना, और 28,800 इसका हो गया, 3 × 0 = 0, 3 × 12 = 1, 3 × 12 = 13, 1 × 3 = 4, 43,200 इसका हो गया, और 4 से करेंगे तो 28×56,57,600 57,600। आप आंसर चेक कर सकते हैं 1,44,000 टोटल आ जाएगा और दोनों साइड की अमाउंट बराबर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था आपका 34। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैंने क्या कैलकुलेशन किया कैसे किया आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाकर के भी देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का इस बुक में 35 की तरफ। ठीक है, रफ कर देते हैं इसे और क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सैलरी और कमीशन दोनों चीजें दी गई हो तो पहले हम सैलरी माइनस करते हैं, पहले हम सैलरी माइनस करते हैं फिर कमीशन चार्ज करते हैं। अगर क्वेश्चन में सैलरी और कमीशन दोनों चार्ज करने के लिए बोला हो तो पहले सैलरी चार्ज होगी फिर कमीशन चार्ज होगा, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बात, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है एक्स और वाई को पार्टनर्स हैं, एक्स को सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ की, तो पहले सैलरी बना लेते हैं। तो सैलरी ऑफ ए की सैलरी कितनी है, सॉरी एक्स है यहां पर, एक्स लिख लेते हैं, तो एक्स की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो यानी कि 10,000 × 12 कर देंगे 1,20,000 हो जाएगा, पर एनम की सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है, क्योंकि हमें सैलरी हमेशा एनुअली ही बनानी होती है, पर मंथ की बात कर रहा है। अब साथ में कह रहा है कि कमीशन भी है 10%, तो कमीशन हम थोड़ा सा देर में देखेंगे, पहले सैलरी बना लेते हैं। उसके बाद में इसने कहा है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, वाई को भी एक सैलरी मिलती है, वाई को सैलरी मिलती है 25,000 पर एनम, उसकी पर एनम की ही बना करके दी गई है, तो दोनों की सैलरी कितनी हो गई 1,45,000, दोनों की कंबाइन सैलरी हो गई है 45,000 अगर हम दोनों की बात करें तो।
ठीक है। अब क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। अब नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, नेट प्रॉफिट आपको दिया गया 4,20,000 का, कितना दिया गया है 4,20,000, और माइनस सैलरी करेंगे तो 1,45,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी देखते हैं जरा। तो 3 जीरोस तो एज इट इज आ गए, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 1 और 1 माइनस 4 यानी कि 7, और ये हो जाएंगे 2, 2,75,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कमीशंस की, कमीशन की बात अगर हम करें, कमीशन ऑफ एक्स, अब हम जो कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट यूज करेंगे ना वो ये वाला प्रॉफिट यूज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सैलरी माइनस हो जानी चाहिए कमीशन निकालने के लिए। जब भी कमीशन निकालेंगे सैलरी के अमाउंट आपको माइनस कर लेनी चाहिए, पहले ही माइनस कर लेनी चाहिए जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की सैलरीज, ठीक है। तो 2,75,000 पे आप कमीशन चार्ज करेंगे एक्स का, 2,75,000 इनटू क्या कहता है आफ्टर पार्टनर सैलरीज कमीशन। दूसरी लाइन में देखिए जहां पर कमीशन की बात कह रहा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर की सैलरी के बाद, तो हमने पार्टनर की सैलरी तो पहले ही माइनस कर ली है, ठीक है। उसके बाद कहता है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन से पहले कितना बोल रहा है 10%, तो 10/100 कितना हो जाएगा 27,500 का कमीशन आ जाएगा एक्स का, 27,500 का कमीशन आ जाएगा एक्स का, ठीक है। अब हम कमीशन ऑफ वाई निकालते हैं, कमीशन ऑफ वाई, अब थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कमीशन ऑफ वाई में कहता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज, तो ऑल सैलरी वाला प्रॉफिट तो 2,75,000 ही है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले फिर उसको 2,75,000, ठीक है। क्या कहता है उसके बाद में, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, साथ में सारे के सारे कमीशन भी चार्ज कर लेने हैं, सारे कमीशन मतलब एक्स का भी और वाई का भी। तो आप खुद देखिए एक्स का कमीशन तो हमें पता लग गया, तो एक्स का कमीशन माइनस कर देते हैं, उसने कहा ऑल कमीशंस, ऑल मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के कमीशन, तो उस कमीशन जो एक्स का था 27,500 उसको तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। अब ऑल में वाई का खुद का भी कमीशन आता है वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी अमाउंट पर हम 10/110 कर देंगे, है ना आसान। देखो एक्स का कमीशन तो डायरेक्टली माइनस कर दो क्योंकि एक्स का कमीशन तो हमने निकाल लिया, वाई का कमीशन हमें पता नहीं है, तो वाई का कमीशन निकालने के लिए 10/110 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ऑल में एक तो ये हो गया और एक ये हो गया था जो 110 हमने किया है, ठीक है डायरेक्टली हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 27,500 में 2,75 में 27,500 जाएंगे तो कितने बचेंगे 500, यहाँ पे 4, 4, 14 में से 7 गए 7 और आगे बचते हैं 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 2 2,47,500 पे 10/110 हम लोग कर लेंगे, 11 से कैंसिल करते हैं तो 11 × 2 = 22 फिर दोनों 11 × 2 = 22 हो गया, 11×5 = 55 और 00 यानी कि 22,500 रुपए। तो 27,500 का कमीशन एक्स का और 22,500 का कमीशन वाई का। अब उसने कहा है लास्ट में शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सैलरीज तो हमें पता लगी गई, कमीशन एक्स का और वाई का और लिख लेते हैं, तो एक्स का तो 27,500 और y का 22,500, ये सब घटाने के बाद भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है और आप क्वेश्चन कर देंगे, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं नीचे से, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट आपको दिया गया था 4,20,000, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख
20,000। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम टू सैलरी, ठीक है। सैलरी, सैलरी किस किस की है, एक्स और वाई की, कितनी कितनी है, 1,20,000 और 25,000। ये हो जाएगी 1,45,000। और यहां पर हम लिखेंगे टू कमीशन, किस किस का, एक्स और वाई का, 27,500 एंड 22,500। तो ये कितने हो जाएंगे, 50,000, 50,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब 4,20,000 की अमाउंट में से इसको भी माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में, क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है, नहीं दिया गया तो इक्वल इक्वल हम लोग मान लेंगे, अगर रेशियो नहीं है तो इक्वल इक्वल हो जाएगा, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफरेंस निकाल करके, कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 195,420 में से माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए 2, और 2,25,000 हो जाएगा, 1,12,500 एंड 1,12,500। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और आप चाहें तो कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक कभी एंड नहीं होता, हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। जिस भी बुक में आप क्वेश्चन सर्च करेंगे कुछ ना कुछ बातें आपको अलग से मिलेंगी, कुछ ना कुछ बातें आपको अलग से मिलेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, बुक चाहे कोई सी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीएस ग्रेवाल को हमने इसीलिए चूज किया, ज्यादातर बच्चों के पास में टीएस ग्रेवाल ही होती है, टीएस ग्रेवाल से वो लोग स्टडी करते हैं। आप चाहे तो एससी शर्मा, डीके गोयल, चतुर्वेदी अग्रवाल, सिद्दीकी, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा एक बात कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस पे उन पे फोकस करें जो क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड हो, यानी कि बोर्ड में पहले से पूछे गए हो। इसके बाद हम एक वो भी सीरीज शुरू करेंगे जो बोर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। वो कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका, चीजें बतानी, जो भी है, जो भी कंटेंट है, अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन आ जाता है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए। ओके बेटा, थैंक यू आज के लिए, ये टॉपिक था, दोबारा से प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बोर्ड में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह से हम पूरी बुक को सोल्ड आउट करेंगे, चाहे पार्टनरशिप है, कंपनी है, एनालिसिस, जो भी चैप्टर्स आपके हैं, जो भी टॉपिक हैं, और जो टॉपिक एक्सक्लूड हो गए हैं उनको छोड़कर, यानी कि 2020-21 का जो कंटेंट है उनको हम लोग क्लियर करेंगे, बाकी सब चीजें बाद में। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।